बीती रात कपिलनगर थाना क्षेत्र में कबाड़ी पर दो अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग कर दी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस यहां पर कभी दबिश देते हुए नहीं देखी गई। बताया जा रहा है कि कामगार नगर चौक में जहां पर घटना हुई वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी हुई है। इस घटना को पुरानी दुश्मनी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आगे की जाँच कपिलनगर पुलिस कर रही है। बीती रात कपिलनगर थाना क्षेत्र में कबाड़ी पर दो अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग कर दी। जख्मी शकील अहमद सगीर अहमद कामगार नगर निवासी बताया जा रहा है। घटना रविवार की रात करीब 10 बजे चहल पहल वाले रास्ते पर हुई। घटना के बारे में पता चलने पर पुलिस परिमंडल 5 के प्रभारी उपायुक्त सारंग आवाड़ कपिलनगर के थानेदार अमोल देशमुख सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जाता है कि गोली शेख शकील के गर्दन को छू कर निकली। फिलहाल इस घटना को पुरानी दुश्मनी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन घटना को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कामगार नगर चौक पर जहां पर घटना हुई वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। बता दें कि शकील अहमद रविवार की रात अपने घर जा रहा था। वह जैसे ही कामगार नगर चौक में पहुंचा, पीछे से बाइक पर आए दो नकाबपोश हमलावरों में शकील अहमद पर फायरिंग शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पुलिस यहां पर कभी दबिश देते हुए नहीं देखी गई। लेकिन इस मामले में शेख शकील का कहना है कि उस पर हमला शेख अयूब उर्फ अज्जू अब्दुल सत्तार कामगार निवासी ने ही किया है। फिलहाल कपिलनगर पुलिस ने शक के आधार पर शेख अयूब उर्फ अज्जू को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दोन अज्ञात इसम टू व्हीलर वरती आले आणि त्याच्या पाठीमागच्या आरोपीने त्यांना मानेच्या जवळ फायर केलं आणि तिथून पळून गेले। त्यांनी संशयितांचं नाव आणि एफ आय आर आमच्याकडे आहे दिलेली, आम्ही आरोपींचा शोध घेत आहोत। त्यांच्यावर फायरिंग झाली, त्यांच्यावरती यापूर्वीचा एक गुन्हा आहे जनावर चोरीचा नाही, जनावर ट्रान्सपोर्ट करण्याचा, आणि एक गुन्हा आहे हत्यार कायद्याचा। संशयावरनं आमचा तपास चालू आहे, त्यात कोणाला अटक नाही। आमचा आणि क्राईम ब्रांचचा वर तपास चालू आहे, लवकरच आम्ही आरोपीपर्यंत पोहोचू। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।